दोस्तों Realme ने चाइनीज मार्केट में अपने Realme 10 सीरीज के अंदर एक और नया स्मार्टफोन Realme 10s 5G को लॉन्च कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ इसी स्मार्टफोन के बारे में कि आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन क्या रखी गई है, चाइनीज मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग रखी गई है, इंडियन मार्केट में हमें स्मार्टफोन देखने को मिलेगा या फिर नहीं, और हमें इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिरकार इस स्मार्टफोन के पीछे की सच्चाई क्या है वो ही बताऊंगा। तो बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस Let's get straight to the video. So, दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Realme 10s 5G के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस वाला IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जहां पे आपको 90 हर्ट्ज का टिपिकल रिफ्रेश रेट लगा कर दिया गया है। सामने की तरफ जो आपको वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहां पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी लगा कर दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो डुअल कैमरा ही देखने को मिलता है, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा वो यूज करा गया 50 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी कैमरा 100 का मानकर चलिए 2 मेगापिक्सल का लगा दिया गया है। 5000mAh की बैटरी है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, एंड यहाँ पे आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर यूज कराया गया है मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 810 वाला, जी हाँ, जो कि 5G मॉडेम को सपोर्ट करता है, जिसके कारण ये स्मार्टफोन यूज हुआ है 5G बन जाता है। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट दे दिया गया है, तो आप 2 SIM के साथ साथ एक SD कार्ड लाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड ये स्मार्टफोन जो है आपको Realme Y3 रन करेगा, जो कि एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, एंड इस स्मार्टफोन की थिकनेस वो आपको 8.1mm की देखने को मिलती है, एंड इसका जो वेट है वो 191 ग्राम का है। तो ये रही कुछ एस्पेक्ट्स की कहानी Realme 10s 5G की। अब दोस्तों अपने स्पेक्स सुने, आप पकड़ पाइए कौन सा स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन ऑलरेडी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। आप Realme 9i 5G को जानते होंगे, Realme 9i 5G एंड Realme 10s 5G में बस एक फर्क है। 9i 5G में आपको 50+2+2 का कैमरा देखने को मिलता है, बट 10s 5G में आपको सिर्फ 50+2 का कैमरा देखने को मिलता है, मतलब एक कैमरा हटाकर और 10s 5G बनाकर लॉन्च कर दिया। तो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में जब यह स्मार्टफोन अवेलेबल है तो भैया हम इस स्मार्टफोन के लिए वेट क्यों करेंगे, अगर कोई लेना है तो Realme 9i 5G ले लो, जिसको कि मैं उतना स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता हूं, स्टिल मैं उसको भी उतना स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता, बट आपकी जिद है कि मुझे 10s 5G ही चाहिए, तब जाकर Realme 9i 5G ले सकते हो। और अगर मैं फिर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, चाइनीज मार्केट में लॉन्च करा गया है 8+128 के लिए 1099 yuan, जिसको अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल कर आता है 13,000 रुपए। तो 13,000 चाइनीज मार्केट में है, तो इंडियन मार्केट में ऑब्वियस इसको कंपनी नहीं ही लाएगी, और लाती भी है तो 13-14,000 के आसपास ही इसको लॉन्च करेगी। हाँ, वेरिएंट कमा देगी, 4+64 कर देगी, फिर 4+128 कर देगी। तो आपको चाहिए तो आप Realme 9i 5G जाकर अभी ले लो, क्यों वेट करना इस स्मार्टफोन के लिए। तो बस यही जानकारी जो आपको देना चाहता था Realme 10s 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय।